मेरे पाकिस्तानियों, आपका कप्तान घबरा चुका है। अब चेरली की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। लीग रहनुमा का यह कहना था कि नवाज शरीफ को माइनस करने वाले आज अपने माइनस होने का खतरा महसूस कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली ने वजीर आजम इमरान खान को निशाना बनाते हुए कहा है कि कल तक कंटेनर्स पर नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगने वाला और माइनस नवाज शरीफ के लिए 126 दिन धरना देने वाला आज खुद अपने माइनस होने की बात कर रहा है। आबिद शेर अली ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, आपका कप्तान घबरा क्या है, क्योंकि माइनस इमरान की बातें शुरू हुई तो सिलेक्टेड खान ने नवाज शरीफ कहना शुरू कर दिया। खान को अपनी जिंदगी से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि माइनस इमरान खान की बातें शुरू हुई तो सिलेक्टेड खान ने नवाज शरीफ कहना शुरू कर दिया। खान को अपनी जिंदगी से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि जो घड़ा वो नवाज शरीफ के लिए खोद रहे थे आज उसमें खुद गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की इम्पोर्ट का ठेका PSO से लेकर नदीम बाबर की कंपनी को दिया गया, जिसने मार्केट में सिर्फ 25% पेट्रोल दिया और बाकी 75% स्टॉक कर लिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के फैसले में ओगरा को बायपास कर दिया गया। क्या ये मुमकिन है कि वजीर आजम ने घोटाले में अपना हिस्सा ना लिया हो?